पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है एक बहुत ही अनोखे कलाकार की, जिसने बहुत छोटी सी शुरुआत की लेकिन आज की तारीख में बन गया यह भारतीय सिनेमा जगत का सबसे मशहूर सितारों में से एक। नाम है इनका संजय मिश्रा। हाय 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 क्या शोर दिया है। ये उस परिवार में जन्मे जहां पे सभी लोग सरकारी दफ्तरों में कार्यरत थे। इनके पिता मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए काम किया करते थे और इनके दादाजी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। ये चार भाई बहनों में सबसे बड़े रहे। इनके पिता की संगीत और साहित्य में खासी रुचि थी, उसका भी असर इन पे आया और इनकी दादी अक्सर पटना रेडियो स्टेशन पर अपने गाने के कार्यक्रम पेश किया करती थीं। संजय मिश्रा पर बचपन से ही अपनी दादी का असर काफी रहा। वो और बात है कि पढ़ाई लिखाई में ये बिल्कुल अच्छे नहीं थे और इनके पिता हर बार सोचते कि न जाने मेरा बड़ा लड़का क्या करेगा। ये तो 10वीं कक्षा में 2 बार फेल भी हो गए थे। जब ये मात्र 9 बरस के थे तब इनका परिवार बनारस शिफ्ट हो गया। पढ़ाई लिखाई हुई केंद्रीय विद्यालय BHU में। उसके बाद संजय मिश्रा ने कहा कि मैं अभिनय में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तब इन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला मिला। ब्रिलियंट बॉय। इन्होंने बहुत छोटी शुरुआतें करी, हालांकि ये एक प्रशिक्षित अभिनेता रहे। सन 1991 में महानायक अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने एक एड में काम किया। जवाब नहीं तेरा प्यारे, शुरुआत अच्छी की तूने। उसके बाद चाणक्य सीरियल में भी इन्हें काम मिला, लेकिन पहले ही दिन ये समझ गए कि एक्टिंग इतनी आसान नहीं है। तकरीबन 28 रीटेक लिए इन्होंने एक सीन के खातिर। इनकी पहली रिलीज फिल्म रही ओ डार्लिंग यह है इंडिया। ये सन 1995 की बात है। इस फिल्म में इन्होंने एक बहुत ही अदना सा किरदार निभाया था जो कि हारमोनियम बजाया करता था। तब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन संजय मिश्रा वो नाम बना लेंगे, लोग बड़े मनोरंजित होंगे और इनकी परफॉर्मेंस पे जी भर के तालियां बजाएंगे। सन 1991 में ही ये आए थे मुंबई। लेकिन इनकी शक्ल सूरत को देखकर ये बताना कठिन था कि ये किस कैटेगरी के एक्टर बनेंगे, कॉमेडियन बनेंगे, विलन बनेंगे या फिर हीरो। तब इनके NSD के सहपाठी तिग्मांशु धूलिया ने इन्हें एक टेलीविजन सीरियल में काम दिया। सन 1991 से लेकर सन 1999 तक इन्होंने फिल्म मेकिंग के हर फील्ड में काम किया, चाहे वो लाइटिंग रही, आर्ट डायरेक्शन या फिर कैमरा वर्क। ये फोटोग्राफी करके कुछ पैसे कमा लिया करते थे और वड़ा पाव खाकर इन्होंने मुंबई शहर में अपना संघर्ष जारी रखा। इसी बीच इन्हें एक बहुत बड़ा सीरियल मिला, ऑफिस ऑफिस, जिसमें इनके साथ पंकज कपूर और मनोज पाहवा जैसे दिग्गज कलाकार थे। लड़का बहुत होशियार है। थोड़ा बहुत पैसा ये कमाने लगे थे और फिल्म इंडस्ट्री में हल्का फुल्का सा नाम होने लगा था। तभी पता चला कि ये बहुत बीमार हैं। ये हॉस्पिटलाइज हुए और डॉक्टर्स ने इनके पेट से तकरीबन 15 लीटर पस निकाला। जब ये ठीक ठाक होकर घर पहुंचे तब इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा, इनके पिता का देहांत हो गया था। इस सदमे से ये उबर ना पाए और सब कुछ छोड़कर चले गए ऋषिकेश, जहाँ पर गंगा किनारे एक ढाबे में ये काम किया करते थे। कभी ऑमलेट बनाते तो कभी झूठे कप धोया करते थे। इसके लिए इन्हें 150 रुपये मिला करते थे। बाद में जाने माने डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने इन्हें कहा कि आपको लौटना होगा और अपनी फिल्मों में इन्हें चांस दिया। अच्छा बेटा, पहली पिक्चर में डिस्कशन शुरू कर दिया, आते ही सवाल चालू। संजय मिश्रा ने भले ही छोटे किरदार निभाए शुरुआत में, लेकिन इनका हर एक किरदार गहरा असर छोड़ रहा था, चाहे वो एड फिल्म्स थी या फिर TV सीरियल्स। एप्पल सिंह का किरदार, जो कि इन्होंने एक स्पोर्ट्स चैनल के लिए निभाया था, वो बड़ा मकबूल हुआ। उसके बाद हट के सिनेमा में ये जरा नजर आने लगे, चाहे वो रही फंस गए रे ओबामा या फिर आंखों देखी। देखा, उन्होंने बुक कर लिया, आप भी फौरन साइन कर लीजिए वरना पिक्चर लगते ही आसमान पे चढ़ जाएगा। इनकी कॉमिक टाइमिंग, इनके चेहरे के हाव भाव सीन में वाकई जान डाल देते हैं। ये अक्सर कहा करते हैं कि एक्टर बनना मतलब साबुन बेचने के बराबर है। ऑडिशन के लिए जाइए, साबुन को खोल के दिखाइए, पानी लाइए, किस तरह से ये साबुन काम करता है, ये सब साबित करने के बाद ही रोल मिलता है। इनकी एक और बड़ी अनोखी आदत है, ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अपने नाम पर एक गैस सिलेंडर ले लेते हैं, खुद खाना बनाते हैं और कभी कभी यूनिट के लोगों को भी अपने हाथ का बनाया खाना खिलाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने कॉमेडी किरदार ही निभाए हैं, बल्कि कुछ बड़े संजीदा किरदार भी, जैसे कि जमीन, चरस, प्लान, सत्या, इन सभी में इनके अभिनय की खूब तारीफ हुई। सुंदर का एक ही चित्र से फिल्म जगत में बहुत ऊंचा स्थान, सुंदर की खूबसूरत अदाकारी का फिल्म जगत में स्वागत। पर जब रजत कपूर साहब ने इन्हें फिल्म दी आंखों देखी, जिसमें इन्होंने मेन लीड निभाया, तब इन्हें समझ में आया कि हीरो बनना कितना कठिन है। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से नवाजा गया।
इनके डायलॉग डिलीवरी, ढोंडू जस्ट चिल या फिर पापा, ये सब लोगों की जुबान पे चढ़ गए। छोटे छोटे सीन्स में भी ये वो छाप छोड़ जाते कि लोग इन्हें याद रखते। इन्होंने अपने एनएसडी के दिनों में ही एक लड़की से शादी की थी जिसका नाम बताया गया रोशनी। वो शादी बदकिस्मती से चली नहीं। उसके बाद इन्होंने अरेंज मैरिज की किरण जी से। इस शादी से इन्हें दो बेटियां हुई, एक का नाम रखा लम्हा और एक का पल। संजय मिश्रा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के उन गिने चुने एक्टर्स में से हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपना खूब नाम बनाया और अपने अभिनय के बलबूते ही बुलंदियां छू लीं। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में संजय मिश्रा वो छाप छोड़ चुके हैं जो अमिट है। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।